बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे बहन भाई मुसीबत और परेशानी में, अल्लाह उनकी परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हबीब व्लॉग वन, मैं हूँ हबीब आपके साथ। आज मैं शेयर करने लगा हूँ व्लॉग में चिकन कढ़ाई, तो आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने तरीके से बना रहा हूँ मैं, तो आप देखें मेरे साथ रहें। चिकन कढ़ाई के लिए 1000 ग्राम मैंने चिकन लिया है। मसालों में 1 चम्मच नमक, धरा मिर्च 1/2 चम्मच, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा लिया है 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च ली है थोड़ी सी मैंने, हल्दी ली है 1 चम्मच, और यहाँ पर ये मिक्स मसाला मिलता है वो लिया है मैंने 2 चम्मच, लौंग लिए हैं थोड़े से, और ब्लैक मिर्च ली है साबत थोड़ी सी मैंने, टमाटर ले लिए हैं 2, उनको काट लिया छोटे छोटे पीसों में, और प्याज अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया, ग्राइंड कर लिया इसे, और 170 ग्राम दही ली है मैंने। इन सब मसालों को इस चिकन में डाल देना है मैंने, और जो दही ली थी वो भी, हाथ के साथ ही मिक्स करूंगा, क्यों हाथ के साथ मिक्स करना यानी सही रहता है, सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। और मसाला लगा हुआ चिकन तकरीबन आपने 30 मिनट फ्रीज में रखना है। और एक नींबू ले लेना है, वो भी निचोड़ देना है बीच में, बीज वगैरह निकाल कर अच्छी तरह। तो ये देखें भाई, चिकन मेरा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी इसे मैंने 30 मिनट तक रख देना है, उसके बाद ये कुक करना है। फिर मैंने 30 मिनट हो गए हैं, तो अभी इसमें जो प्याज अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाया था वो भी इसी में मैं ऐड कर दूंगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तकरीबन 10 मिनट और फ्रिज में रख देना है इसे। दस मिनट हो गए, तो उसके बाद अभी 2 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था गर्म होने के लिए, पहले रख दिया था। इसके अंदर ये टमाटर कटे हुए हैं, ये पहले मैंने ऐड कर देने हैं। तकरीबन 5 मिनट से दम देने, पाँच मिनट हो गए मेरे, तो अभी इसमें जो चिकन को मसाला लगा कर रखा हुआ था वो तो सारा इसमें ऐड कर देना है। चिकन मैंने डाल दिया है, तो अभी तकरीबन इसे 25 से 30 मिनट पकाना है। ढक्कन दे देते हैं ऊपर जी। ये इसकी फाइनल लुक, 30 मिनट के बाद 10 मिनट और दिए थे मैंने इसे, तकरीबन 40 मिनट में ये मेरा चिकन कढ़ाई तैयार होगी मेरे तरीके से। सब्ज़ मिर्च अभी मैंने डाल दिया ऊपर से,
ये है मेरी इसकी फाइनल लुक चिकन कढ़ाई मेरे स्टाइल से। मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी मेरे अपने स्टाइल में, आपने कमेंट्स करके बताना है आप मेरे स्टाइल में रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी है उसको लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन के साथ। तो ये वीडियो इधर तक की थी, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।